नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। साथियों, 5 अक्टूबर को प्रस्तावित हरियाणा विधानसभा के आम चुनाव को लेकर तमाम प्रत्याशी जहां अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो अनोखे ढंग से मतदाताओं के बीच पहुंच रहे हैं। ऐसे एक रेवाड़ी में प्रत्याशी हैं, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं संजय शर्मा। संजय शर्मा किसी परिचय के मोहताज नहीं, लगातार जो आम मसले होते हैं, आम लोगों के जो मसले होते हैं, तमाम उनको प्रखरता से उठाते रहे हैं। रेवाड़ी के लोग, तमाम लोग उनसे वाकिफ हैं। अब पहले आम आदमी पार्टी में थे, लेकिन वहां से टिकट नहीं मिली तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं। और अपना घोषणा पत्र, उनका घोषणा पत्र काफी सुर्खियां बटोर रहा है। क्या इस घोषणा पत्र में खास? अमूमन जब घोषणा की जाती है तो कैंडिडेट की ओर से बताया जाता है कि फला मसले को लेकर, फला मुद्दों को लेकर वो लोगों के बीच में जाएंगे ताकि लोग उन पर वोट दें। लेकिन संजय शर्मा की जो खास बात रही, उन्होंने एक हल्फनामा तैयार कराया। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, ये हल्फनामा उन्होंने तैयार किया। 5 ऐसे मसले रखे हैं कि जो रोजमर्रा की जो लाइफ में, जो जिंदगी में लोगों की सामना करना पड़ता है, जो रेवाड़ी विधानसभा में जो लोगों की बुनियादी समस्याएं हैं उनको समाधान करने की अमूमन लोग गारंटी कहते हैं। लेकिन उन्होंने हल्फनामा, एक एफिडेविट तैयार किया और चुनाव आयोग को भी भेजा है कि यदि संजय शर्मा विधायक बनते हैं तो वो एफिडेविट पे क्लेम करते हैं कि इस एफिडेविट को देकर कि मैं इनको पूरा कराऊंगा। वहीं दावा यह भी करे कि बाकी जो कैंडिडेट हैं वो भी इस तरह के हल्फनामे दें ताकि जनता के बीच आए, जनता उन पर विश्वास कर सके। आखिर क्या उनके मन में चला कि एक और तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं वो चुनाव मैदान में, वहीं एक साधारण से परिवार में जन्मे। और चर्चा ये भी है कि उन्होंने चुनाव के लिए अपना प्लॉट तक बेच दिया है। आखिर ऐसी जरूरत क्या पड़ी कि उन्होंने चुनाव के लिए प्लॉट बेचना पड़ा? तमाम ऐसे मसले हैं, उनसे बात करेंगे इंडिपेंडेंट प्रत्याशी संजय शर्मा। आखिर किस तरह से लोगों के बीच, संजय जी आपका स्वागत है, किस तरह से ये आपके मन में आइडिया आया, जिस तरह से आप ये लगातार 5 मसलों को लेकर जा रहे हैं कि एफिडेविट आपको तैयार करना, क्या है इस सब कुछ? अमित जी नमस्कार, सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को। हम कई सालों से समस्याएं उठा रहे थे, गंदा पानी आ रहा था, लिखित एप्लीकेशन दिया अपने मोहल्ले की, मोहल्ला सैयद सराय में मुन्ना सती जय पवन भटला जी के पास, उसकी गली के आसपास लोगों की रिमाइंडर दिए, पब्लिक हेल्थ में दिए, कमेटी में दिए, कह रहे उसको भेजो फुटबॉल बना देते। ऐसे सीवर की समस्याओं के लिए 1 साल कैंपेन चलाया कि सीवर की सर्कुलर रोड की बड़ी लाइन 60 साल पहले डाली गई थी, वो क्षतिग्रस्त हो गई है और गली मोहल्लों में छोटी लाइन है, ओवर फ्लो हो जाते हैं बार बार में, एक आधबार हो जाए कोई बात नहीं, परमानेंट होते ही रहते हैं वो, 2-3 बार 3 बार फिर हो जाते हैं। और इनमें जो सीवर में जो गाद निकालते हैं वो गाद वो 3-2 दिन में उठाते नहीं और फैल जाती है और वापस नालियों में चली जाती है। सर मैं इस परिचय के मोहताज आप नहीं, हमने लगातार जब भी हम पत्रकार कहते हैं देखते हैं, मतलब कोई हो ना हो लेकिन आप हर मसले पर खड़े हुए दिखाई देते हैं। चुनाव लड़ने की क्या जरूरत पड़ी? अमूमन तो आप सेवा तो कर ही रहे थे, लोगों के मसले उठा ही रहे थे। जी जी जी, चुनाव आने की, चुनावी राजनीति में कूदने की इसलिए जरूरत पड़ी कि इतनी लिखित शिकायत देने के बाद समाधान नहीं हो पा रहा था। इन सारी पार्टी जो पावर जिन नेताओं के पास है, देश में लोकतंत्र नाम की कोई इतनी चीज नहीं थी, लोकतंत्र मात्र एक महज वोट डाल करके अपनी जिंदगी, अपने समस्याएं 5 साल के उनके हवाले कर देते हैं और ये नेता लोग कुछ करते नहीं है। देश में लोकतंत्र के वजह नेता तंत्र आ गया। बाबा साहब ने इतना अच्छा संविधान बनाया था, ये तो शुक्र है उन्होंने निर्दलीय लड़ने का अधिकार दिया, किसी पार्टी का दल का जिक्र नहीं किया, नहीं तो पार्टी वाले तो पैसे वालों को देते ही। तो मैं निर्दलीय लड़कर अपनी बात रख पा रहा था। अब चुनावी प्रक्रिया इतनी जटिल है, उसको आसान बनाने के लिए कि वायदे कैसे विश्वास करें कि हम, ये खर्चीली प्रणाली हो गई, लाखों करोड़ों का प्रचार। हम भी कोई बात कर रहे थे, एक और महंगा चुनाव प्रचार, 40 लाख की तो चुनाव आयोग ने लिमिट रखी है। जी जी, ये कहाँ से धन जुटाएंगे इतना? सर 40 लाख की मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन मेरे पास विजन है। तो मैंने किया ऐसे लोगों का मतदाताओं का दिल कैसे जीते, उनको विश्वास कैसे दिलाएं। तो मैंने क्या किया कि मैं 5 गारंटी मैंने रिसर्च किया हाईकोर्ट के एडवोकेट से, जो रिटायर्ड अधिकारी है उन्होंने एक एक पॉइंट को रिसर्च किया। जैसे मैंने सर्कुलर रोड पे जहाँ पानी का मुद्दा उठाया था, पानी को निकास करेंगे, तो मैंने तुरंत सब लिखा था। उन्होंने कहा तुरंत हटाओ इसको, जल्द से जल्द, तुरंत मालूम नहीं हो पाए तो जल्द से जल्द की थोड़ी समय सीमा होती है, 2 घंटे 4 घंटे लग जाए कोई बात नहीं। तो ऐसे उन्होंने एक एक वर्ड के ऊपर, शब्दों के ऊपर रिसर्च करने के बाद तैयार किया ये, और ये वे सारी चीजें है। अमूमन पहला जो मैं मतलब देख पा रहा हूँ, रेवाड़ी शहर के सर्व रोड पर लेवल सही करवा कर उस पर जमा होने वाली पानी की जल निकास व उस पर जमा होने कूड़ा कचरा धूल मिट्टी की पूर्णतः सफाई नियमित तौर पर करवाई जाए, यह कार्य विधि विधायक निधि से या फिर विधानसभा के लिए मिलने वाले कोष फंड से करवाए। ये अमूमन रोजमर्रा किसी के काम होते हैं, कोई सरकार हो एडमिनिस्ट्रेशन तब करने होते, आप यहाँ पर फोकस करने की वजह क्या थी? सर आप नादो करके एक बार एक राउंड लगा लो सर्कल रोड का, 5 किलोमीटर का है बस,
आपके मुंह पे शरीर पे इतनी धूल मिट्टी उड़ जाती है। सर्कुल रोड के दुकानदार ने शीशे लगाए हुए, शीशे के गेट, उसके फिर बाद भी इतने अंदर धूल मिट्टी आ जाती है, फिर साफ सफाई कहाँ हो रही है। तो ये हमने कैंपेन चलाया था, वजह क्या है, वजह क्या है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन जो नेता है एडमिनिस्ट्रेशन, ये इनकी नियत साफ नहीं, ये अधिकारियों लापरवाह कर्मचारियों को कुछ कहते नहीं है ना इनकी जवाब देते, जनता की गलती नहीं है, जनता की गलती, जनता की, आप जनता की जब कहीं ना कहीं बेरुखी कहें कि जब दबाव नहीं बना पाते अपने नेता पर या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में तो कैसे काम होंगे। सर सुनते नहीं है, उन तक पहुंचना रीचेबल ही नहीं है वो नेता लोग। अब मसला आ जाता है, जैसे आपने कहा प्राइवेट स्कूल सरकारी नहीं, तमाम 134 है, तमाम इस तरह की चीजें चली थी, क्या वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई ये चीजें? इम्प्लीमेंट हुई लेकिन उनमें बहुत परेशानी आई, उन परेशानियों के लिए हमने आवाज भी उठाई समय समय पर। और ये सारे नियम कायदे वही गारंटी है जो 100% सरकार ने नियम कायदे बनाने, हमने तो इम्प्लीमेंट करवानी है और इम्प्लीमेंट 100% हो सकते हैं क्योंकि सरकार के नियम है, हमने अलग से तो कोई नियम बना ही नहीं रहे। तो वो कैसे करा पाएंगे? तमाम आप भी दावा ही कर रहे हैं ना कि हम ऐसा कराऊंगा, जो भी चुनाव मैदान में होता है अमूमन हम छोटे से लेकर बड़े हो गए यही सुनते तो आ रहे हैं कि ये कराएंगे वो कराएंगे, लेकिन होता कितना है? तो आप सर कि वही आप कर रहे हैं, फिर ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से अलग आप कैसे होते? ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स ये है कि अगर मैं ये मैंने कानूनी हलफनामे पे दिए गारंटी, हलफनामे पे दिया, अगर मैं ये नहीं करवा पाऊंगा तो मुझे 3 से 7 साल की सजा, अलग अलग सजा है अलग अलग धाराओं में। अच्छा, क्या कोई मुकदमा करा सकता आपके पास? कोई भी मतदाता, लास्ट में मैंने ये पॉइंट लिखा है, मैं हलफन बयान करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त 5 गारंटियां पूरी करने में यदि मैं असमर्थ रहता हूँ तो रेवाड़ी विधानसभा का कोई भी मतदाता मुझ पर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। एक मैंने वोटर्स को कानूनी अधिकार दे दिए कार्रवाई करने का अगर मैं झूठे वायदे करता हूँ। आज तक ये नेता लोग वोटर को गुमराह करते थे। ऐसा कभी पहले ऐसा कभी हुआ है कहीं? मेरी समझ में, मैंने इलेक्शन साइट पर सर्च किया है और ये जो गूगल पर सर्च किया है, आज तक ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं हुआ जिसने अपने लीगल गारंटी दी हो। घोषणा मैनिफेस्टो, बड़ी बात है कि लीगल गारंटी देना, लीगल गारंटी, क्योंकि ये सारी मान लो सपोज करो एनुअल चार्ज लेते, बिल्डिंग फंड लेते, कुछ भी लेते, कैपिटेशन एमान्य मध्य सरकार के नियम के अनुसार आप देखिए, देखो ऐसे लिए तो मैंने उसको डीओ को लेकर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो 5 लीगल गारंटीज हैं उसमें जो मैं पहले बताई, दूसरी प्राइवेट स्कूलों में सरकारी नियमों के अनुसार फीस व फंड के लिए जाने के लिए प्रावधानों की अनुपालना करवाई जाए, वह ना जाए अमान्य मद के लिए ली जाने वाली फीस व फंड पर रोक लगाई जाएगी, पीने के पानी का प्रत्येक कनेक्शन और पीने योग्य साफ एवं शुद्ध पानी की पूर्ण मात्रा में सप्लाई की व्यवस्था सुनिश्चित करना, सीवर और फलों की समस्या के स्थायी समाधान की उचित व्यवस्था। वहीं पांचवा जो पॉइंट है, विधायक बनने पर, संजय शर्मा जी ने जो पांचवा पॉइंट दिया, विधायक बनने पर बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे, मुख्यमंत्री विधायक था हरियाणा सरकार, सभी अधिकारी कर्मचारी के बच्चों की पढ़ाई व इलाज भी सरकारी स्कूल एवं सरकारी अस्पतालों में अनिवार्य करवाने का प्राइवेट बिल विधानसभा पेश करके पूरा प्रयास इसका किया जाएगा। वहीं जो लास्ट में उन्होंने एक बयान दिया है कि यदि ऐसा नहीं हो पाता तो मेरे खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई कर सकता है कोई भी मतदाता। ठीक है, ये आप लोग इसको लेके जा ही रहे होंगे। हाँ जी, इस जो आपका जो ये लीगल गारंटी है इसको लेकर तो कितना लोगों से आपको इसको सपोर्ट मिल रहा है? अमित जी, कभी भी समाज में छोटा बदलाव हो चाहे बड़ा बदलाव, एजुकेटेड और बुद्धिजीवियों के थ्रू आया है, बुद्धिजीवियों तक झाझा पहुंच रहा है, वो मन को मेरे मैसेज कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं कि हाँ भाई हम हमारे 5 वोट है 7 वोट है, तू हारे से जीतते, ये लोगों में चला गया संजय शर्मा हार रहा है, ये वो गया कि प्रचार प्रसार हमारा उतना नहीं है क्योंकि 1,00,000 रुपये लगते हैं, तो कुछ लोग ये कह रहे लेट हो गए। अब मैं उनसे दर्शकों से वोटर से ये कह रहा हूँ, लेट में कहाँ हो गया, अब जनता का चुनाव, मेरा चुनाव नहीं है, और बुद्धिजीव लोग इसको प्रचार करेंगे, एक बहस शुरू हो चुकी है इसके अंदर। एक हांडी का चुनाव मैं देख पा रहा था कि आपको हांडी का चुनाव चिन्ह है, हांडी के पीछे आपने चूज किया होगा या कुछ मकसद इसके पीछे? हांडी पहला मैंने पहला चुनाव सिंबल भरा था मैंने केटली जी, केटली चाय का निशान, तो वो जेजेपी या जसपा कौन सी उसकी पार्टी लेडीज थी मोकी देवी शायद, तो उन्होंने भी केटली भरा हुआ था, तो चुनाव आयोग के अधिकारी बोले जो पहले पार्टी सिलेक्टेड है उनको पहले मिलेगा, तो हम दोनों का कोलाइड हो रहा था वो, तो उनको मिल गया। फिर सेकंड नंबर पे मैंने फिर मटका भरा था, हांडी जिसको बोलते, ये शुद्ध पानी का वो है, थोड़ा पानी से कहीं ना पानी में महिलाओं का शुद्ध पानी मिले, इसमें समस्या बड़ी समस्या है, वो थोड़ा सा इस चीज को लेकर किया है। संजय जी, एक और चर्चा है कि आपने कोई अपना प्लाट बेच दिया, उसमें कितना, पूरे शहर में चर्चा है सर? प्लाट तो यूं भेज दिया कि आज से 3 महीने पहले 4 महीने तक एक तो कोई दिख नहीं रहा था कैंडिडेट, कि भाई पार्टी में कोई कैंडिडेट नहीं है, अब ये था कि हम कुछ करना चाहते हैं तो पार्टी टिकट दे देगी, चलो कोई बात नहीं अगली बार के लिए पहचान बन जाएगी, पैसे थे नहीं, पेट्रोल के भी पैसे नहीं थे, वाइफ जॉब कर रही है प्राइवेट हॉस्पिटल में, उससे थोड़ा घर का खर्च चल रहा है। मैंने कह दिया इलेक्शन के बाद में
करूंगा कुछ ना कुछ। तो प्लाट था तो फिर मैंने सोचा कि क्या करे भाई, 5 साल बाद पता नहीं कैसे समय आए नहीं आए, तो मैंने वाइफ से बात की, आपके मन में तो चलो कर लो जो करना, लेकिन ज्यादा पैसे मत लगाना, थोड़ा सा हुआ तो मकान भी कंजेस्टेड है, बच्चे बाहर रह रहे किराए पे थोड़ा सा, तो फिर मैंने सोचा चलो 5-7 लाख कुछ लगा देंगे भाई, चुनाव लड़ लेते हैं, जो जायज खर्चा है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, और मान लो 2-4-5-7 लाख लगा दूंगा तो फिर मैं उनको रिकवरी करूंगा। फिर चुनाव प्रचार में कैसे करते हैं, इतना तामझाम सिस्टम चलता है, तो आप किस तरह से चुनाव? देखो मोबाइल है जी, मोबाइल आजकल सबसे बड़ी ताकत हो गई, इसके ऊपर मैंने, मेरे पास हर गांव में लोगों के नंबर है, हर धावड़ा के, हर वार्ड के नंबर है, मोस्टली रेवाड़ी के 31 वार्ड के सभी नंबर, रेवाड़ी का तो मैं लोकल ही, चलो तो इसमें व्हाट्सएप पे भेज दिया मैंने, स्टेटस पे लगा दिया, फेसबुक पे लगा दिया, उनके पर्सनल नंबर पे भेज रहा हूँ, अच्छे अच्छे रिएक्ट आ रहे हैं, उनके अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं। तो बाकी देखो जनता मान ली, मैं नहीं लड़ रहा चुनाव, मैं तो एक्सपेरिमेंट किया है, मैं तो संजय शर्मा इन करोड़पतियों के सामने कहाँ से टक्कर ले पाऊंगा, मेरा विजन है, विजन आप देखो, आप योग्यता तो लो, जब आप जो पब्लिक की समस्याएं थी तब लोग भीड़ जुटती थी, अब उन लोगों से कैसे रिएक्शन? नहीं बहुत अच्छा आ रहा है सर, जो जहाँ तक ये मैनिफेस्टो जा रहा है ना, अपना प्रभाव दिखा रहा है और पॉजिटिव असर आ रहा है, जो कुछ कैंडिडेट्स के जैसे प्रत्याशी हो गए समर्थक है ना, वो थोड़ा सा लोगों को कुछ गुमराह करके उनका जुड़ाव कुछ ज्यादा है, कुछ व्यक्तिगत भी हो सकता है या कुछ भी लगा लो, या वो ये भी फैला रहे चीजें कि संजय शर्मा आदमी तो ठीक है लेकिन लेट है, अगली बार शायद पहचान बन जाए। मैं उन वोटर्स से कहना चाहता हूँ कि 5 साल आपके अंदर हिम्मत है क्या, इन समस्याओं को झेल लोगे, गंदा पानी सीवर, और आप जो प्रत्याशी लीगल गारंटी नहीं दे रहा है, मैंने 5वां पॉइंट रखा है इसमें, विधानसभा में पास करवाऊंगा, पेश करके पास करवाने का भरपूर प्रयास करूंगा कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी मुख्यमंत्री विधायकों के बच्चों का भी पढ़ाई और इलाज सरकारी हॉस्पिटल में हो, अगर इनका होने लग गया तो सब कुछ हो जाएगा फिर, इसका मतलब ये अगर नई लीगल गारंटी देते हैं इन 5 बिंदुओं की तो इसका मतलब हमारे बच्चों का भविष्य ये नहीं चाहते, हमारी भलाई नहीं चाहते, क्लियर होगी ये चीजें, फिर तो इनको वोट देने से क्या फायदा, फिर तो मैं अधिकार हूँ, लेकिन अमूमन देखा जो पार्टीज है तमाम, वो कहीं कास्ट समीकरण बड़ा देखते जाते समय में उसी के आधार पर टिकट देते, हम जिस विधानसभा में आप लड़ रहे अहिरवा सीट, आप किस तरह से आप उसको मैनेज करोगे? सर एक बाजार में कई, मैंने किस्सा नहीं हकीकत घटना है ये, 1947-48 में कौन से में भारत छोड़ो आंदोलन चला था, तो बजाजा बाजार में साड़ी महल वालों की, शायद नाम थोड़ा ध्यान से शायद लाला बनारसी दास गुप्ता जी थे, वो फ्रीडम फाइटर थे, वो आजाद भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने 2-4 साल जेल में गए थे, वो फिर 1900 कांग्रेस में थे उस समय, वो तो कांग्रेस 1952 में पहला चुनाव हुआ तो डिजर्व कर रहे थे वो, जो भारत छोड़ो आंदोलन में देश के लिए 1700 तो उनको टिकट मिलनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने राव अभय सिंह को दे दी, पहले दिन उस दिन योग्यता का कत्ल हुआ जातिवाद के आधार पे, आज तक वो परिणाम जनता भुगतती आ रही है। आज केजरीवाल जी, मतलब केजरीवाल जी का नाम मैं ब्लेम यू नहीं करता क्योंकि उस समय वो जेल में थे, आज आम आदमी पार्टी ने मेरी समझ के अनुसार कि योग्यता का शायद कत्ल किया है, हक हमारा बनता था, चलो हक भी नहीं बनता, टिकट भी नहीं भी देते, कम से कम पूछने का तो हक बनता था, मेरे पास फोन आया, मेरे नेट बनता, मैं उस दिन मोबाइल में फॉर्मेलिटीज पूरी करता नॉमिनेशन की, तो उन्होंने कहा संजय, वाइफ का फोन आया, दो यार दोस्तों का कार्यकर्ता, संजय सतीश यादव को प्रधान जी को टिकट मिल गई, मैंने मुझे तो नहीं पता, वो तुझे नहीं पता, तू तो इतना पुराना है, उससे तानने से यार ऐसी चीजें लगी, वो पूछा भी नहीं गया, आप पूछा नहीं गया बस ये, फिर हम पार्टी हमको मानती नहीं है अपना, फिर हम पार्टी को क्या मानने सकते। एक मैं बात और उसमें मानता हूँ कि यदि आप किसी नीतियों से प्रभावित थे तभी आम आदमी पार्टी से जुड़े होंगे, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि बागी हो गए आप, भाई आम आदमी पार्टी के साथ मजबूत हो? अरविंद जी ने ये कहा था शुरू में पार्टी बनाई थी, जो भी समस्या जो पार्टी से शिकायत है वो रिंग के अंदर आकर के कहो, यानी कि पार्टी के अंदर आकर के कहो, पार्टी प्लेटफॉर्म पे, पार्टी फ्लोम पे हम इन अधिकारी पदाधिकारियों से हरियाणा से कोई भी बात रखना चाहते ऊपर पहुंचती नहीं है, मतलब कहीं कहीं वो भी ट्रेडिशनल पार्टी की तरह परंपरागत राजनीति पे हिस्सा बनती जा रही है, वजह से उत्तराखंड चुनाव लड़ा, मध्य प्रदेश लड़ा, छत्तीसगढ़ लड़ा, राजस्थान लड़ा, इनको कैंडिडेट नहीं मिले, बजट बड़े लाओ, कितना बजट लगा, ये चलन चल रहा है बताओ, ये पार्टी और पार्टियों से अलग थी तभी तो पार्टी आगे नहीं बढ़ पा रही, पंजाब में हुआ पंजाब के लोग सोच और कल्चर ही अलग है, अब वहां रिपीट करेगी तो पता चलेगा, और लोग बने बिजली फ्री पानी फ्री कोई समस्या है, अरे एजुकेशन दो हेल्थ दो फ्री, एक बार बताओ ये कह रहे अच्छे एजुकेशन, चलो कुछ स्कूलों में इन्होंने किया भी है, तो
तो कम से कम अब उनके विधायकों के बच्चे, चपरासी के बच्चे तो प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, चलो दिल्ली में नहीं पंजाब के एमएलए के तो कर दो ये कानून। मोदी जी ने नारा दिया वन नेशन वन इलेक्शन, उसके बाद में अरविंद जी ने नारा दिया वन नेशन वन एजुकेशन। अच्छी बात है, मोदी जी के बच्चे विजन है, केजरीवाल जी के अच्छे विजन है, एक साथ चुनाव हो और सबको समान शिक्षा मिले। लेकिन पंजाब में, चलो दिल्ली तो पूर्ण राज्य नहीं है, मोदी जी अड़ंगा डाल रहे सो बात है, चलो मान लिया आपका, पंजाब तो पूर्ण राज्य है, पंजाब में विधायकों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में क्यों जा रहे हैं, चपरासियों के अधिकारियों क्यों जा रहे हैं वहाँ? पहले तो वहाँ पंजाब सरकार के अधिकारियों का, विधायकों के बच्चों की एजुकेशन पंजाब सरकारी स्कूल में कर दो, उनका इलाज भी सरकारी हॉस्पिटल में कर दो, ढाई साल हो गए, कुछ कमी आती तो अब तक दूर हो जाती। दो चार हॉस्पिटल बढ़िया बना दिए, मार्केटिंग करने के दो चार वो स्कूल ऑफ एमिनेंस बना दिए, उनमें लिमिटेड सीट होती है, लिमिटेड बच्चे जाते हैं, मार्केटिंग ज्यादा है, मार्केटिंग ज्यादा है, किया भी है बदलाव, सुधार किया भी है, नहीं किया, लेकिन लिमिटेड समान है, लेकिन समान करो ना आप, अपने विधायकों को दो ना भाई, ये आम आदमी जी, अब ये तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, आप अपने दर्शकों को, अपने जो मतदाता है, मैं वोट नहीं मांग रहा हूँ, मुझे वोट मत करो, मैं वोट की अपील नहीं कर रहा हूँ कि मुझे वोट करो, मैं रेवाड़ी विधानसभा के सभी वोटर मतदाताओं से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे प्रत्याशी को वोट करो जो ये मैंने पांच लीगल गारंटियां दी है, ये पहला प्रयोग है, संविधान भी मजबूत होगा बाबा साहब का, लोकतंत्र भी मजबूत होगा, विधानसभा में योग्य आदमी जाएंगे, इन योग्यता इनके प्रत्याशियों की कैसे पहचान होगी? रेवाड़ी विधानसभा में 13 प्रत्याशी है, तो उनमें से मैंने पांच गारंटियां दी है, इन पांच के अलावा वो भी लीगल गारंटी दी है, 100 रुपए के स्टाम्प के ऊपर अमूनन 10 रुपए में एफिडेविट तैयार हो जाता है। अब इसकी अहमियत हजारों गुना ज्यादा बढ़ जाती है इस एफिडेविट की, इस मैनिफेस्टो की, इस घोषणा पत्र की। तो आप उन प्रत्याशी को वोट दे, जो भी प्रत्याशी है उनके समर्थक आए उनको कहो जी हम वोट दे देंगे, पांच गारंटी तो सब संजय शर्मा दी, आप इनके अलावा दो चार वोट दे दो। आप सब्जी मंडी में जाते हो, आलू कितने रुपए? 50 रुपए किलो, 50 रुपए किलो में तो पिछले ही दे रहे, 1.25 किलो दो ना, कह बार्गेनिंग करते हो नहीं करते हो? ऐसे ही वोटर्स अब उठेगा नहीं, वोटर्स को ठगेंगे नहीं ये नेता, अब नेताओं के ठगने का अधिकार दे दिया मैंने, वोटर्स को एक कानूनी अधिकार दे दिया कि कोई भी नेता अगर झूठे वादे करेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, मुझ पर 3 से 7 साल की सजा हो सकती है अगर मैंने ये वायदे फुलफिल नहीं किए तो। लेकिन मैंने वायदे वो किए जो हरियाणा सरकार के नियम कायदों में, मैंने तो सिर्फ इम्प्लीमेंट करवाना है, अगर नहीं करेंगे तो अधिकारी कर्मचारी भी जेल जाएंगे, अकेला नहीं जाऊंगा मैं। देखिए संजय शर्मा ने जिस तरह से बताया, ये रेवाड़ी के नई बस्ती निवासी संजय शर्मा पहले आम आदमी पार्टी में थे, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे रेवाड़ी विधानसभा सीट से, लीगल गारंटी सर हमने भी ऐसा नहीं सुना कि किसी ने लीगल गारंटी दी हो, पांच लीगल गारंटी रेवाड़ी के लिए उन्होंने दी है, तमाम जो वो मसले हैं जो कि बहुत पहले समाधान उनका हो जाना चाहिए, लेकिन आजादी का 1947 से लेकर अब तक समाधान नहीं हो पाया, ये भी कहीं ना कहीं बेहद सोचने का विषय, की चिंतनीय विषय की आखिर आज भी एक शख्स को, रेवाड़ी के नागरिकों को इस तरह की लीगल गारंटी के नाम पर चुनाव लड़ना पड़ रहा है, वो भी महज वो समस्या पानी सीवर की समस्या जो कि बुनियादी समस्याएं होती है, बुनियादी समाधान हो जाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब कितना इनको समर्थन मिलेगा ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं एक अलग परिपाटी से चुनाव लड़ते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में तमाम लोग इस पर कमेंट भी करें कि आखिर इनकी चुनावी जो गारंटी लीगल गारंटी है वो कितना सहमत है, वो कहीं ना कहीं कितना वाजिब है इस तरह से उनका चुनाव लड़ना। नमस्कार।